For so long, I was living my life. Oh, so wrong. Always numb in my mind. Battled on, building scars from the knife. So far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ सूरज, आप देख रहे हैं सूरज भाकर व्लॉग्स. तो मैंने जैसा आपको बताया था कि मनाली व्लॉग्स आने वाले हैं, तो मनाली व्लॉग्स स्टार्ट हो चुके हैं. अभी हम मनाली के लिए निकल चुके थे, मतलब कि कल हम निकले थे. कल मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया. हाँ, कुछ क्लिप मैंने बनाई हैं बीच बीच में, वो मैं इस वीडियो में अपलोड कर दूंगा. पहले थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, फिर आज के व्लॉग पे चलेंगे, तो ताकि तुमको फर्स्ट डे से स्टार्टिंग से लेके अब तक सब कुछ समझ में आ जाए. कल एक्चुअली हमें निकलना था सुबह 5 बजे के अराउंड, लेकिन हम उठ नहीं पाए, हम में जाग ही नहीं आई भाई. तो हम उठे लगभग 4:50 पे, तो जल्दी जल्दी में सब काम करना पड़ा, तो वहाँ पर हम वीडियो शूट नहीं कर पाए. जो जो सामान हमने गाड़ी में रखा वो भी जल्दी जल्दी रखा, क्योंकि चंडीगढ़ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था निम्मी का, वो ज़रूरी था. वहाँ रिपोर्टिंग टाइम 10:00 था, तो वहाँ पहुँचना भी था. तो एक तो ये चीज़ हो गई, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया. दूसरी चीज़ ये थी कि बीच में क्लिप्स बनाई और ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाए, क्योंकि पहले तो हिमाचल में एंट्री की, उससे पहले गर्मी बहुत थी, ऊपर से काम ज़्यादा था, ऊपर से सोफिया बहुत रो रही थी. सोफिया मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है, सोफिया बहुत रो रही थी. और ये वीडियोस भी बहुत सारे मेरे भाई हरियाणवी में देखना चाहते हैं, लेकिन ये वीडियोस मैं हिंदी में ज़्यादा बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी मेरे भाई देखने वाले हैं सबको चीज़ें समझ में आएँ कि किस टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं. तो अभी सेकेंड डे समझ लो, अभी तो कुल्लू भी नहीं पहुँचे हम लोग, अभी भी 2-3 घंटे का रास्ता बाकी है, तो बीच में ही रुकना पड़ा क्योंकि हम लेट हो गए थे. तो अभी ये होटल है, इसकी भी मैं आपको पिक्स दिखा दूंगा, कैसे मैंने गाड़ी में सामान अरेंज किया है वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि क्या क्या मैंने कर रखा है. तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना. चलिए दिखाता हूँ अच्छे अच्छे मोमेंट आपको मेरी ट्रिप के. गाड़ी में क्या क्या है मैं दिखा दूँगा, उससे पहले देख लो हम कहाँ रुके हुए हैं. गाड़ियाँ चल चुकी हैं, दिन हल्का हल्का निकल चुका है, सुबह के टाइम है 4:45 का. और ये हमारा होटल है, होटल सैली, जहाँ पे हम लोग रुके थे. रेस्टोरेंट भी है, खाना वाना भी अच्छा मिलता है. यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है. गाड़ी का सामान मैं तुमको दिखा देता हूँ, अरेंज कैसे किया. अभी तो सब कुछ मैसी हो चुका है भाई, सब कुछ बुरा हाल है. मैं दिखा देता हूँ फिर भी. यहाँ पे मैट दिख रहा होगा तुम लोगों को, मैट है. और मैं थोड़ी सी एक बार फ्लैश लाइट ऑन कर दूँ, तुम लोगों को समझ में आए. हाँ, यहाँ पे ये इसके बच्चे के डायपर हैं, उस साइज़ में शूज़ वगैरह पड़े हैं. यहाँ पे बर्तन पड़े हैं कुछ. ये गैस स्टोव है खाना वाना बनाने के लिए, अगर तो चाहें तो कहीं पर भी बैठ के हम लोग खाना वाना बना सकते हैं. और इसके साथ में यहीं पे इसकी, यहाँ पे इसकी ब्यूटेन गैस भी पड़ी है, बोतल इसकी, कैन, जो कैन आते हैं वो समझ जाओगे तुम लोग, वैसे फ़ोटो दिखा दूँगा. इस साइड में शूज़ वगैरह पड़े हैं, मसाले पड़े हैं, बर्तन वगैरह पड़े हैं, उस साइड भी जूते पड़े हैं. और ये नीचे जो बैग है इसमें कपड़े पड़े हैं. ये तो है पीछे की डिग्गी का काम. और यहाँ का कुछ सामान मैंने पिछले शीट पर रख रखा है, वो भी मैं दिखा दूँ तुम लोगों को. जैसे यहाँ पे ये मेज़ है, कहीं पर भी जाओ तो हम इस मेज़ को कैरी कर सकते हैं और वहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं. इस मेज़ के नीचे स्टूल है, जो तुम लोगों को मैं एक छोटे से क्लिप में दिखा दूँगा कि इनको अगर डालें तो हम कैसे बैठ सकते हैं. सारी चटाई, गद्दे वगैरह. आगे देखिए खाने पीने का सामान पड़ा है और कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं. और ये पानी रखा हुआ है, घी रखा हुआ है. और इसके आगे कार्टून में मेरे हिसाब से इसमें मसाले वसाले या कुछ लेज वगैरह कुछ खाने वाने का सामान होगा. आगे जो ऑरेंज कलर का बैग है उसमें निम्मी के डॉक्यूमेंट तुमको दिख रहे हैं. तो ये गाड़ी में सामान है और ये अपना होटल. और तुमको रास्ते की भी क्लिप दिखा दूंगा मैं. ये गाड़ियाँ जा रही हैं और बस भी चल चुकी हैं. ये तो अपनी हरियाणा रोडवेज वाली बस,
साइड में पेट्रोल पंप है, अगर इस होटल में आना चाहो तो आ सकते हो कभी भी, अगर लेट हो तो। इसकी लोकेशन में डाल दूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं, लेकिन खाना बहुत अच्छा था भाई और रेट भी ठीक ठाक हैं। तुम लोग चाहो तो नेगोशिएट कर सकते हो, नेगोशिएशन भी जल्दी कर लेते हैं ये लोग, ज़्यादा तंग नहीं करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी अंदर चल के, और पहले वाले क्लिप्स मैं आपको दिखा देता हूँ कल वाली, उसके बाद में हम आज क्या क्या प्लान करने वाले हैं वो तुम लोगों को मैं अच्छे से प्रॉपर दिखाऊंगा। तो भाई यहाँ पर 5 मिनट का स्टे लिया है और यहाँ रोड से साइड में गाड़ी लगा दी है, ट्रक वगैरह आ जा रहे हैं और बहुत ही मतलब बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, तेज़ गाड़ी चला नहीं सकते यहाँ पर। और ये देखो खाई, एक तरफ पहाड़ एक तरफ खाई और दोनों तरफ ज़बरदस्त माहौल। और ये गाड़ी में बैठी है, यही वो जगह है भाई जहाँ इसने अपनी जूती गुम कर दी, मतलब क्या गाड़ी में वापस बैठते टाइम निम्मी ने अपनी जूती बाहर ही छोड़ दी। इतनी महान मेरी बीवी। मैं बेटा छोपू, आ आ गुझ 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 गुझ। तो भाई अब यहाँ पर रुक चुके हैं, यहाँ से अगर वापस जाएं तो शिमला पड़ता है 89 किलोमीटर, और हमें जाना है आगे मनाली की तरफ। यहाँ सामने गाड़ी लगा रखी है और ये होटल जहाँ पे हम चाय वाय और थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेंगे, उसके बाद में आगे चलेंगे। और पीछे का भी सीन मैं तुम लोगों को दिखा दूँ तो पीछे बिल्कुल ग्रीनरी, बहुत ही मतलब इतना प्यारी जगह है ना, मतलब आने का मन करता है, देखने का मन करता है, रुकने का मन करता है। तो अगर मनाली का टूर बनाना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है, और वैसे कभी भी आ सकते हो। स्नोफॉल देखना है तो थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, अब आपको स्नोफॉल सिर्फ रोहतांग में मिलेगा। ये रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं और मज़ा आ रहा है। चलिए, और ये भी बस निम्मी और सोफिया भी बाहर आने वाले हैं गाड़ी से, फिर आगे बात करते हैं। सोफिया चोपिया ले आवाज या निम्मी जो आपकी जूती को आई, अरे ये पर ओए सोफिया, सोफिया ओए छोपिया, और उनके दिए इसका मुँह ओए सोफू, ओ मैं बेटा सोफू कागज में नहीं छोड़ दे। ये रंग बिरंगो कागज देव का है। A few moments later. बस बस का रोड का तो नाजा ज्यादा। कुछ पापी लोग यहाँ आइसक्रीम खा रहे हैं और ये सोफिया रो रही है और इनको शर्म नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ अच्छा ले आता है। A few moments later.
चलिए वापस आ जाते हैं यहाँ से, और अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखा देता हूँ होटल का, और साथ में रूम, और साथ में दिखा देता हूँ खाना जो हमने रात को खाया। तो भाई ये तो है एंट्री गेट जहाँ से हम लोग अंदर आए थे, ये रिसेप्शन है। रिसेप्शन के पास में रेस्टोरेंट है, अगर खाना खाना चाहो तो। ऊपर चलते हैं अपने रूम की तरफ, और अपने रूम है 103, और ये सामने कुछ पड़ी हैं इनकी अलमारी वगैरह जहाँ पे गद्दे वद्दे कुछ चद्दर वगैरह रखते होंगे रूम सर्विसेज के लिए, और ये है अपना रूम 103। इससे पहले मैं दिखा देता हूँ पास में इसकी है पेट्रोल पंप, और अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा अंदाज़ा तुमको लग जाएगा, ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप बगल में ही है इसके, इसके पास में ये होटल है। और चलो अब रूम के अंदर चलते हैं, और अभी तो सब लोग सो रहे हैं, निम्मी सो रही है और इस साइड में नीचे अमन सो रहा है, और मैं तो बहुत जल्दी उठ गया था क्योंकि नींद आ नहीं रही थी, और अलार्म वगैरह कल लगाई थी वो बंद करना भूल गए तो नींद खुल गई, और ये सो रही है सोफिया, कितने प्यार से सो रही है। यहाँ रूम बंद करने के बाद तो इतनी ठंड नहीं लगती, लेकिन अगर खिड़कियाँ वगैरह खोल दे तो बाहर बहुत ठंडी हवा चलती है। तो ये है हमारा रूम, यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, मैं सेल्फी स्टिक यहाँ पे रख देता हूँ, और साथ में है ये रूम फोन, मतलब ठीक है अच्छा रूम है, अगर तुम चाहो तो आराम से यहाँ पे रुक सकते हो। बालकनी और दिखा देता हूँ, रूम मतलब बाथरूम भी अच्छा है, बाथरूम को मैंने कवर नहीं किया लेकिन बाथरूम अच्छा है। ये पीछे का एरिया है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पानी बह रहा है, अभी थोड़ा सा सुबह का टाइम है, अभी दिन निकल रहा है, लगभग 5 बजे के आसपास का टाइम है, तो अभी इतना क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ देर के बाद में अच्छे से सारा क्लियर व्यू आ जाएगा, तब मैं दोबारा दिखा दूंगा। और अभी मैं दिखा देता हूँ जब हमने खाना खाया, खाने में क्या क्या खाया वो आप लोगों के सामने है, और खाना भी अच्छा था, मतलब बहुत टेस्टी खाना था, मैंने मतलब होटल में जब भी खाया खाना ये सबसे अच्छा लगा मुझे खाना यहाँ का, और ये भी खाना सब हम खा रहे हैं, और उसके बाद में वेट करना हमारी नेक्स्ट वीडियो का, बहुत जल्दी वो वीडियो आने वाली है, और टू बी कंटिन्यू फॉर पार्ट 2, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।